आज हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। छुईमुई का पौधा छूने से क्यों मुरझा जाता है? छुईमुई के पौधों की पत्तियां स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती है। जब हम इनकी पत्तियों को छूते हैं तो पतली दीवारों वाली कोशिकाओं से पानी तने में चले जाता है। इसके फलस्वरूप ये कोशिकाएं सिकुड़ जाती है और पत्तियों का तनाव खत्म हो जाता है, जिससे उनमें ऐठन पैदा हो जाती है। इसी को हम छुईमुई का मुरझाना कहते हैं। इसी मुरझाने के गुण के कारण ही यह पौधा संसार भर में प्रसिद्ध है। लोग बौने क्यों होते हैं? मनुष्य की लंबाई में वृद्धि सामान्यतः कई बातों पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से मनुष्य की लंबाई वंशानुगत गुणों के कारण होती है। जिस व्यक्ति के माँ बाप लंबे होंगे, वह व्यक्ति भी लंबा होगा। छोटे कद के माँ बाप के बच्चे छोटे कद के होते हैं। बौनापन का दूसरा कारण बीमारी भी हो सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो लंबाई में वृद्धि को रोक देती है। बौनापन पिट्यूटरी ग्लैंड्स में हार्मोन्स की कमी के कारण भी हो सकता है। इस प्रकार हार्मोन्स की कमी का कारण भी मनुष्य में लंबाई की वृद्धि को रोक देता है। हमारे कटे हाथ पैर दोबारा क्यों नहीं उग पाते? पुनरुद्वन की क्षमता अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होती है। मानव एक जटिल संरचना वाली प्राणी है, इसमें पुनरुद्वन क्षमता बहुत कम होती है। हमारे शरीर में कई प्रकार का पुनरुद्वन होता है। जैसे यदि हमारे शरीर की त्वचा जल जाए या कट जाए तो उस स्थान पर नई त्वचा आ जाएगी। हमारे बाल नाखून काटने पर दोबारा उग जाते हैं, लेकिन हाथ पैर गर्दन या अन्य अंगों का निर्माण नहीं हो पाता। व्हेल को मछली क्यों नहीं माना जाता? व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है। व्हेल का विकास विशालकाय जंतुओं डायनासोर से माना जाता है। व्हेल का आकार भी सभी जंतुओं से विशाल है। व्हेल फेफड़ों से सांस लेती है। मछलियों की भांति इनके गिल्स नहीं होते। यह बच्चे पैदा करते हैं और उनको दूध पिलाती है। इन्हीं सब गुणों के कारण व्हेल को मछली न मानकर स्तनधारी प्राणी माना जाता है। मछलियाँ पानी में सांस किस प्रकार लेती है? मछलियाँ गिल्स द्वारा सांस लेती है। उनमें हमारी तरह फेफड़े नहीं होते और न ही वो हमारी तरह नाक से सांस लेती है। मछलियाँ सांस लेने के लिए मुंह में पानी लेती है। यह पानी गलफड़ों से होता हुआ बाहर निकल आता है। पानी में मिली हुई ऑक्सीजन गलफड़ों की कोशिकाओं द्वारा सोख ली जाती है और गलफड़ों में बहने वाला खून के साथ यह ऑक्सीजन मिल जाती है और शरीर में भ्रमण करती है। इसी ऑक्सीजन से मछली का खून शुद्ध होता रहता है तथा मछली के सांस लेने की क्रिया पूरी हो जाती है। सर्दियों में मेंढक कहाँ चले जाते हैं? मेंढक के शरीर का तापमान एक जैसा नहीं रहता, बल्कि वातावरण के साथ घटता बढ़ता रहता है। जाड़े का मौसम शुरू होते ही जैसे जैसे वातावरण का ताप गिरता है, मेंढक के शरीर का ताप भी कम होने लगता है। इससे इनकी जीवन क्रियाएं शिथिल होने लगती है। ये अपने को जीवित रखने के लिए तालाब के नीचे गीली मिट्टी में सिर के बल धीरे धीरे धसना शुरू कर देते हैं और काफी गहराई में चले जाते हैं। इस समय मेंढक पूर्णतः विश्राम करता है और जीवित रहने के लिए अपने शरीर में जमा चर्बी तथा ग्लाइकोजन प्रयोग में लाता है। क्या सभी प्रकार के सांप जहरीले होते हैं? सभी सांप जहरीले नहीं होते। हमारे यहाँ सांपों की लगभग 200 जातियाँ पाई जाती है, जिनमें 4 जातियाँ ही जहरीली है। इनमें कोबरा, क्रैत, सॉस्केल वाइपर और रजल वाइपर ही जहरीली जातियाँ हैं। सांपों में पाया जाने वाला जहर को वेनम कहते हैं। सांप के सिर के दोनों ओर आंखों में थोड़ा नीचे विष ग्रंथियाँ यानी कि पॉइजन ग्लैंड्स स्थित होती है। नींद में हमारे शरीर में क्या होता है? हमारा मस्तिष्क एक बहुत जटिल क्षेत्र है, इसे हम निद्रा केंद्र भी कह सकते हैं। खून में मिला हुआ कैल्शियम इस निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है। जब कैल्शियम की एक निश्चित मात्रा रक्त द्वारा निद्रा केंद्र तक पहुंचा दी जाती है तो हमें नींद आ जाती है। नींद की अवस्था में हमारे हृदय की धड़कन बहुत धीमी हो जाती है, लेकिन पाचन संस्थान अपनी सामान्य स्थिति में होता है। यकृत एवं गुर्दे अपना काम सामान्य रूप से करते रहते हैं। नींद की अवस्था में हमारे शरीर का तापमान लगभग 1 डिग्री कम हो जाता है। महिलाओं की आवाज सुरीली क्यों होती है? सामान्यतः 13 साल की अवस्था में लड़के लड़कियों में वयस्कता आनी शुरू होती है। इस उम्र में हमारे शरीर की ग्रंथियाँ सेक्स हार्मोन्स पैदा करती है। इन हार्मोन्स में पैदा होने से लड़के व लड़कियों के शरीर में बहुत से परिवर्तन आ जाते हैं। इस उम्र में लड़कों की आवाज में भारीपन आने लगता है। उनके कंठ नली की लंबाई और मोटाई बढ़ जाती है, जबकि लड़कियों में यह हार्मोन्स नहीं पैदा होता, इसीलिए उनकी आवाज पहले जैसी सुरीली बनी रहती है।
कुछ लोग नींद में खर्राटे क्यों लेते हैं? जब हम जागते रहते हैं तब हमारे मुंह के अंदर गले के पास की त्वचा सख्त और तनी हुई रहती है, लेकिन सोते समय यह कुछ ढीली पड़ जाती है। मुंह से सांस लेने पर ढीली त्वचा वायु के दबाव से कंपन करने लगती है। त्वचा में इसी कंपन के फलस्वरूप एक आवाज निकलती है। इसी आवाज को दूसरे लोग खर्राटे के रूप में सुनते हैं। यदि हम सोने से पहले अपने मुंह को भली भांति साफ कर ले तो यह खर्राटा काफी कम हो सकता है। फूलों में सुगंध क्यों होती है? भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों में अलग अलग प्रकार के तेल होते हैं। इन्हीं तेलों के कारण फूलों से गंध होती है। यही तेल धीरे धीरे वाष्पित होती है जिसमें गंध का अनुभव होता है। फूलों में इन्हीं तेलों को निकालकर इत्र बनाए जाते हैं। फूलों में सुंदरता, मनमोहक रंग इत्यादि कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए होता है। कीट पतंगे इनकी ओर आकर्षित होकर इन पर आकर बैठती है और अपने साथ ही हुए फलों के पराकणों को दूसरे फलों तक ले जाती है। इन्हीं पराकणों के फूलों में गर्भधारण की क्रिया होती है जिससे फलस्वरूप बीजों का जन्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और रोज ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल माय मिस्ट्रेस प्लैनेट को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।